हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस एच फैशन पॉइंट। आज मैं आपको कैनेडियन स्मोकिंग का एक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को हम मशरूम डिज़ाइन भी बोलते हैं। ये डिज़ाइन बिल्कुल मशरूम की तरह लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मशरूम की तरह ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कपड़े की उल्टी तरफ में इस तरह से 1-1 इंच के स्क्वायर बनाने हैं। पहले तो 1-1 इंच के ऐसे स्क्वायर बनाने हैं। अगर आप कुशन कवर पर इस डिजाइन को बनाना चाहते हो तो आप 33 इंचेस या 29 से लेकर 33 या 36 तक आप कपड़ा ले सकते हैं। आगे तक आपने इतना कपड़ा लेना है। और अगर आप कपड़े पे बनाना चाहते हो, जैसे अपर बॉडी पे आप इस डिजाइन को यूज करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से कपड़ा लीजिए जितना की आपको डिजाइन चाहिए। तो इस प्रकार से आपने पहले तो 1-1 इंच के स्क्वायर बनानी है। उसके बाद आपने ऐसे ये लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे 1-1 इंच के स्क्वायर बनाने के बाद आपने इस प्रकार से दो ब्लॉक में इस प्रकार से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। और एक ब्लॉक को आपने ये पूरी लाइन ऐसे ही छोड़ देनी है। आगे को ये वाली पूरी रो ऐसे ही छोड़नी है। उसके बाद आपने फिर से दो ब्लॉक में ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने फिर से एक छोड़ना है। दो ब्लॉक में आपने ऐसे लाइनें देनी है और एक आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट रो ऐसे नीचे को आपने फिर से एक रो पूरी खाली छोड़ देनी, पूरे ब्लॉक आपने खाली छोड़ने हैं। उसके बाद आपने, अब हमने पहले इस तरफ से लाइन ड्रॉ की थी, अब हम इस तरफ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरफ से। और फिर से यहाँ फिर से एक ब्लॉक खाली, जो हमने पहले ही बोल दिया था मैंने कि ये लाइन हमने पूरी छोड़नी है खाली दो ब्लॉक के बाद, उसी प्रकार से यहाँ भी एक ब्लॉक छोड़ा, उस प्रकार से फिर से ऐसे खींची, लाइन ड्रॉ की। इस प्रकार से आपने ये पूरा पैटर्न ऐसे अपने कपड़े पर बना लेना है। इस प्रकार से कपड़े की उल्टी तरफ में आपने ये ड्रॉ करना है। ये पैटर्न ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने सेम वैसे ही किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ भी मैंने वैसे ही सेम ड्रॉ किया है जैसे कि मैंने उस पैटर्न में बताया। इतना ड्रॉ करने के बाद आपने फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये ब्लॉक आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, 1 इंच का मतलब है 1 इंच ईच, पूरे 1-1 इंच के ही होने चाहिए। अगर आपका कोई भी ब्लॉक छोटा बड़ा हो गया तो आपका डिजाइन इतना सुंदर नहीं बनेगा, इक्वल नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये पूरे इक्वल रखने हैं। ये पूरे अगर आप चाहते हो कि आपका डिजाइन बिल्कुल अच्छा सुंदर बने तो आपको ये बिल्कुल इक्वल रखने हैं। उसके बाद आपने सुई से, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिला हुआ है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ और ये यहाँ। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा, इतना सा कपड़ा लेना है और जहाँ तक कि हमने हमारा ब्लॉक है, जहाँ तक हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया था लाइन इस ब्लॉक में, वहाँ तक ऐसे ऐसे लेना है और ऐसे सुई से सिलना है। इसको पक्का करना है हमने ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे एक बार, और इसको आपने 3 से 4 बार ऐसे पक्का करना है। राउंड राउंड धागा आपने 3 से 4 बार घुमाना है ताकि आपका ये जो डिजाइन है ये खुले ना। इसी प्रकार से आपको 3 से 4 बार ये पक्का करना है पूरा। इस प्रकार से इस प्रकार से ये धागा आपने कट नहीं करना है और इसको थोड़ा लूज छोड़ना है क्योंकि हमने बाद में ये कट करना है। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में, जो नेक्स्ट ब्लॉक पर जो लाइन ड्रॉ की है उसमें पैटर्न जो हमने वैसे ड्रॉ किया है वैसे ही हमने सिलना भी है इसको ऐसे इस प्रकार से। और ये धागा ऐसे पकड़ लिया कपड़ा ऐसे, यहाँ से इसको लॉक कर दिया ये इस प्रकार से। अब यहाँ से लॉक करना है इस प्रकार से 3-4 बार आपने अच्छे से इसको लॉक करना है।
दो ब्लॉक को सिलने के बाद आपका एक ब्लॉक ये जो खाली है इस पे आपने कुछ नहीं करना, इसको खाली रखना है ऐसे ही। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में, जहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉक में जो हमारा डिज़ाइन है उस पर आपने फिर से सिलना है वैसे ही। इसी प्रकार से आपने ये पूरा सिलना है। इसी प्रकार से आपने ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट रो पर आपने नीचे से ही, यहाँ से ही आपने नेक्स्ट रो स्टार्ट कर देनी है ऐसे ही। सेम वैसे ही आपने, इसी प्रकार से ही आपने पूरा ये वाला डिज़ाइन आपने कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे, और इसको भी वैसे सेम वैसे ही 3-4 बार लॉक करना है। उसी प्रकार से आपने पूरा ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। इस प्रकार से देखिए मैंने ये अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ये उल्टी तरफ से है। अब इसके बाद हमने ये जो बीच में धागे छोड़े हैं ये हमने सारे कट कर लेने हैं। धागे कट करने के बाद इस प्रकार से उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन होगा। और ये देखिए, ये इस प्रकार से मशरूम का डिज़ाइन बनकर आपके सामने तैयार है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप सैटन पर ही बनाइएगा, क्योंकि इस तरह की जो स्मोकिंग के जो भी डिज़ाइन बनते हैं वो सैटन के कपड़े पर ही बनते हैं और वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, तो ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते, वो बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।